नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे फिल्मोरा का नया वर्शन 10.4 के अंदर हमें क्या क्या नया फीचर देखने को मिलेगा और इस फीचर को हम हमारे वीडियो एडिटिंग के दौरान किस तरह से यूज कर पाएंगे। हम पुराने वर्शन को नया वर्शन के साथ साइड बाय साइड रख के कॉम्पेयर करेंगे और देखेंगे फिल्मोरा का नया वर्शन 10.4 के अंदर हमें कहाँ पे और किस तरह से ऑप्शन को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है जो चेंज किया गया है वो है हमारा स्टार्टिंग पेज को कस्टमाइज किया गया है। यहाँ पे हम फिल्मोरा के ओल्डर वर्शन के स्टार्टिंग पेज को देख रहे हैं। सबसे ऊपर हमें एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता था, इसके नीचे न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता था। इसके ठीक राइट हैंड साइड में हमने जो रिसेंटली प्रोजेक्ट बनाया है या ओपन किया है उसका हिस्ट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलता था। और इसके ठीक ऊपर अगर हम प्रोजेक्ट को सर्च करना चाहते हैं नाम से हम प्रोजेक्ट को यहाँ पे सर्च कर सकते थे। लेकिन अभी हम फिल्मोरा 10.4 वर्जन के अंदर बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ठीक नीचे न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसके ठीक नीचे हम हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके ठीक राइट हैंड साइड में जो हमने बोला जो हमारा सेकेंड फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है ऑटो हाईलाइट, इसका ऑप्शन भी हमें स्टार्टिंग पेज पे दिया गया है। हम यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करके डायरेक्ट हम हमारे वीडियो के क्लिप को हाईलाइट कर सकते हैं। हम डिटेल्स में जब फिल्मोरा के डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे। इसके ठीक बाद हमें एक पीसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके हम हमारे पीसी की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके ठीक बाद हमें एक इंस्टेंट कटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस फीचर को क्लिक करके हम हमारे वीडियो के क्लिप को कट कर सकते हैं। सेकंड फीचर के बारे में बात करें जो अभी हमने बात किया था ऑटो हाईलाइट, अगर हम फिल्मोरा के ओल्ड वर्जन को देखें तो ओल्ड वर्जन के अंदर अगर हम कोई भी वीडियो के क्लिप को राइट क्लिक करेंगे माउस बटन से तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑटो हाईलाइट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिल्मोरा 10.4 के अंदर हमें अगर कोई भी वीडियो क्लिप को राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑटो हाईलाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस ऑटो हाईलाइट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमें हम हमारे वीडियो के क्लिप को हाईलाइट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। थर्ड फीचर के बारे में बात करें, थर्ड फीचर में ऑडियो नॉर्मलाइजिंग, अगर हम फिल्मोरा ओल्डर वर्जन के बारे में बात करें तो वहाँ पे अगर हम कोई भी ऑडियो को मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बॉक्स के अंदर हमें लास्ट जो ऑप्शन है वो डार्किंग का ऑप्शन है। इसके बाद कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। जो ऑडियो नॉर्मलाइजिंग का ऑप्शन नया ऐड किया गया है हम फिल्मोरा के 10.4 वर्जन के अंदर हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। डार्किंग ऑप्शन के ठीक नीचे जो हमारा ऑडियो नॉर्मलाइजिंग का ऑप्शन है वो ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को क्लिक करके हम हमारे ऑडियो के वॉल्यूम को अलग अलग जगह पे अगर अलग अलग वॉल्यूम है तो हम सारे ऑडियो के वॉल्यूम को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। तो अभी हम फिल्मोरा के डैशबोर्ड में चलते हैं और देख लेते हैं ऑटो हाईलाइट और ऑडियो नॉर्मलाइजिंग ऑप्शन को हम कैसे यूज कर पाएंगे। हम जब फिल्मोरा 10.4 वर्जन को ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग पेज के ऊपर हमें ऑटो हाईलाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ से इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और हम फिल्मोरा के डैशबोर्ड में जाके भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज करके देख लेते हैं। हम इस ऑटो हाईलाइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑटो हाईलाइट का एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है लैंप और दूसरा है इंसर्ट मोड। सबसे पहले हम हमारे वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम हमारे वीडियो को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें लैंप को सिलेक्ट करना होगा। हमारा जो वीडियो का क्लिप होगा कितने सेकंड तक या कितना मिनट तक हमारे उस क्लिप को हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 सेकंड टिकटॉक के लिए हम हमारे वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं। 60 सेकंड यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हम इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और हम हमारे सबसे कस्टम करके लैंप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 60 सेकंड यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट मोड, यहाँ पे हम इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने से क्या होगा, हमारे क्लिप के बीच में गैप आ जाएगा। तो हम यहाँ पे टिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑटो हाईलाइट का एनालाइजिंग और सिंक्रोनाइजिंग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर के अंदर हमारा क्लिप जो है हमारे सामने बन के आ जाएगा। सॉफ्टवेयर जो है अपने हिसाब से उस क्लिप को 60 सेकंड तक बना देगा जो आपको दिखाने लायक होगा।
यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट को सिलेक्ट करना है। हम की प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करते हैं और हम देखेंगे हमारे क्लिप जो है बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। हम जब भी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो हर एक क्लिप का अलग अलग एक वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। हम वहाँ से हमारे हिसाब से वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस ऑटो हाईलाइट ऑप्शन को फिल्मोरा के डैशबोर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो क्लिप के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें ऑटो हाईलाइट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो सेम प्रोसीजर है हम फॉलो करना है। हम वीडियो को सिलेक्ट करना है, लाइन सिलेक्ट करना है, अगर गैप रखना है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है और एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम दो तरीके से इस ऑटो हाईलाइट ऑप्शन को फिल्मोरा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ऑडियो नॉर्मलाइजिंग ऑप्शन के बारे में। ऑडियो नॉर्मलाइजिंग ऑप्शन के अंदर हम अगर वीडियो एडिटिंग के दौरान हमारे जो ऑडियो है उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्शन पे हमने वॉल्यूम को अलग अलग कर दिया है, लेकिन बाद में हमें उस अलग अलग वॉल्यूम को सेम करना है, तो इस ऑडियो नॉर्मलाइजिंग ऑप्शन का बहुत ही यूज़ है। तो कैसे इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने तीन ऑडियो लिया हुआ है जिस ऑडियो का साउंड अलग अलग है। तीनों क्लिप के अंदर ऑडियो का जो वॉल्यूम है यहाँ पे अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें इस तीनों ऑडियो के साउंड को वॉल्यूम को सेम करना है तो हम तीनों ऑडियो क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एडजस्ट ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें जो ऑडियो का जो मॉडिफाई डायलॉग बॉक्स है, ऑडियो का जो पैरामीटर्स है वहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए जो हमें ऑप्शन मिल जाता है, सबसे नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे ऑडियो नॉर्मलाइजिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही हम यहाँ पे ऑटो नॉर्मलाइजिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो तीनों जो क्लिप है, ऑडियो का जो क्लिप है उसका जो वॉल्यूम अलग अलग है, वो कुछ ही देर के अंदर हमारा तीनों क्लिप के अंदर जो वॉल्यूम है यहाँ पे बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को यूज़ करके हम हमारे ऑडियो के वॉल्यूम को अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वॉल्यूम को एक क्लिक करके सेव कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर कौन सा कमांड, कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो भी आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग 80% व्यूअर्स जो है मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के ढेर सारे वीडियो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा और आने वाले समय पे भी मिलता रहेगा। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।